50,000 से भी ट्रैक्टर मिल रहा है दोस्तों, 50,000 में आज के समय में मोटरसाइकिल नहीं मिलता आपको, वो भी ट्रैक्टर मिल रहा है सर। ये आएगा आपको 1,65,000 का। ये सर 2011 का गाड़ी है जी। ये आपको ओनली 170 में मिलेगा आपको ट्रैक्टर। मेरे पास 70,000 से 50,000 से स्टार्ट है गाड़ी महिंद्रा में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज कुमार और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इंडिया मोटर कार पे। जी हां दोस्तों, आज मैं आया हूं आपके शहर रायपुर में और मैं आ चुका हूं दोस्तों मानव मोटर में। जी हां दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए स्पेशल रहेगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे दोस्तों कि हमें जॉनडियर का ट्रैक्टर दिखाओ। आज डेडिकेटेड है दोस्तों जॉनडियर का ट्रैक्टर, चाहे आप 5105 देखिए, 50/36 देखिए, 50/38 देखिए दोस्तों, 50/41, हर वो सेगमेंट, चाहे आप सी क्लास डी क्लास, हर एक ट्रैक्टर यहाँ पे अवेलेबिलिटी रहेगी आपको। हर एक ट्रैक्टर का कलेक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा शानदार मिलने वाला है। आप कलेक्शन देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी जॉनडियर का स्टॉक है, 8 से 9 ट्रैक्टर आपको यहाँ पे आज जॉनडियर का मिलेगा। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं संजय सर। संजय सर, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। संजय सर, यहाँ का एड्रेस बताइए ताकि किसान भाई यहाँ तक आराम से पहुँच सके। सर, यहाँ का जो एड्रेस है भनपुरी चौक में, मारुति कार का शोरूम और महिंद्रा कार का शोरूम दोनों के बीच में मेरा शोरूम बीच में है जी। दोस्तों, ये मेन हाईवे रोड में आपको और कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, जॉनडियर का बहुत ही ज़्यादा शानदार कलेक्शन आज आपको मिलने वाला है। सर, हमारे यहाँ लगभग कितने ट्रैक्टर है और कौन कौन से सेगमेंट में आप रखते हैं? देखिए, मेरे पास सारी कंपनी के ट्रैक्टर मिलेंगे, महिंद्रा, जॉनडियर, सोनाली का, सारे सेगमेंट के मिलेंगे। अधिकतर पर मैं जॉनडियर पर ज़्यादा काम करता हूँ जी। हाँ सर, फोकस जॉनडियर पर इसलिए करता हूँ क्योंकि किसानों का जो ज़्यादा जो भरोसेमंद ट्रैक्टर जो है वो जॉनडियर है। और दोस्तों, आपको सच बता दूँ, जॉनडियर का जो पावर इंजन का निकल के आता है, उसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है, वो बहुत ही शानदार होता है। और जो किसान भाई एक बार जॉनडियर का यूज़ कर लेते हैं दोस्तों, उसे और कोई गाड़ी चाहिए ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ जॉनडियर ही लेगा। सर, ऐसा है ना कि आज का जो डिमांड है जी, हाँ, अब डिमांड के हिसाब से हमको भी चलना पड़ेगा। बिल्कुल चलना पड़ेगा सर, है ना। तो उस हिसाब से हम भी जॉनडियर ही ज़्यादा रखते हैं जी। हाँ, कि किसान को जहाँ एक जगह है सभी प्रकार के जो अपने HP है, सारे HP उनको अवेलेबल हो सके। बिल्कुल। और दोस्तों, आपको बता दूं, आप मार्केट में जो मर्जी जहाँ निकल जाओ, आपको जॉनडियर का इतना बड़ा कलेक्शन नहीं मिलने वाला। आज जो मैं आपको कलेक्शन दिखा रहा हूँ, जॉनडियर सर वैसे प्रायः हैंड टू हैंड बिकने वाला ट्रैक्टर है। अगर किसी घर के किसान ने पता चल जाए कि जॉनडियर ट्रैक्टर बिक रहा है, वो वहीं से निकल जाता है। लेकिन आपके पास इतना अच्छा स्टॉक मेंटेन किए हैं, आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही लाजवाब होने वाला है। दोस्तों, ये है जॉनडियर का 5105। आप मॉडल देख रहे हो, ये पावर स्टीयरिंग, ऑयल इंपैक्ट ब्रेक और मल्टी फीचर साइड गियर लीवर के साथ आता है। दोस्तों, जॉनडियर का जो क्वालिटी मिलता है, इसका जो परफॉर्मेंस खेत में रोड में जो प्रेजेंट मिलता है, वो बहुत ही लाजवाब मिलता है। इसका बॉडी लाइनअप देखिए दोस्तों, कलर सेगमेंट देख सकते हैं, टायर देख सकते हैं, इंजन पार्ट देखिए दोस्तों, आपको बहुत ही लाजवाब मिलने वाला है। संजय सर, इस 5105 का आप डिटेल देंगे? सर, ये बैंक सीज गाड़ी है। अच्छा, 2020 की गाड़ी है जी। ठीक है, इसे हमें 4.5 लाख के रेट में छोड़ना है। 4.5 लाख। यदि कस्टमर बोलता है इसमें टायर इंक्लूड करके दो जी, तो अपन टायर का जो प्लस रहेगा पैसा, वो अपन इंक्लूड करके देंगे। बिल्कुल सर। दोस्तों, इसकी टायर की ग्रिप बची हुई है, अगर आप चाह रहे हैं कि अभी इस सीजन चला के आप बाद में चेंज कराना चाहें तो वो भी ऑप्शन है। अगर सर को आप रिक्वेस्ट भी करेंगे कि टायर बदल के दें, तो वो भी आपसे अमाउंट लेकर वो टायर बदल सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूँ, टायर जो है 40,000, 50,000, 60,000 के लगभग बीच में आ जाता है, अलग अलग HP सेगमेंट के हिसाब से, वो इसमें आप करवा भी सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, कंडीशन काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। उसी के साथ यहाँ पे एक और मैं आपको मॉडल दिखा दूँ, 50/36D। ये 36 HP का ट्रैक्टर जॉनडियर का आप देख रहे हैं, इसमें भी आपको पावर स्टीयरिंग, साइड गियर लीवर और ऑयल इंपैक्ट ब्रेक के साथ ही आपको मिलने वाला है। सर, इस ट्रैक्टर का भी आप डिटेल देंगे? ये सर 50/36D है जी। ये भी बैंक की सीज गाड़ी है, प्लस ट्रैक्टर ट्रॉली है इसमें, दो चक्का हाइड्रोलिक ट्रॉली साथ में जी। 2020 की गाड़ी है। अच्छा सर, ये ऑलमोस्ट 500 घंटा कुछ चली हुई गाड़ी, मात्र सर मात्र 500 घंटा चली हुई गाड़ी है। और इसका क्या प्राइस? ये ट्रैक्टर ट्रॉली मिला के आपको 6 लाख रुपए का आएगा। 6 लाख का। और सर, अगर अपन इंजन की बात करें तो नया आज के डेट में क्या प्राइस में होगा सर? सर, ट्रैक्टर ही खाली 6.5 लाख का। 6.5 लाख का है दोस्तों। 2020 का ट्रैक्टर मात्र 600 घंटा चला हुआ, उसके साथ आप ट्राली का डिमांड करते हैं कि हमें ट्राली मार्केट में नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ मानव मोटर में आपको ट्राली के साथ 6 लाख रुपए में इसे अवेलेबल करवाया जाएगा, और वो भी बहुत ही शानदार कंडीशन। दोस्तों, 600 घंटा ट्रैक्टर के लिए कोई बड़ा मायने नहीं रखता, वो तो किसान एक ही सीजन में चला देता है, लेकिन यहाँ आप टायर की भी कंडीशन देख सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ दोस्तों, ये आपको ओरिजिनल कंपनी की टायर फिटेड आपको मिलने वाली है। वैसे ज़्यादातर बैंक से जो खींची हुई ट्रैक्टर रहती है, उसके टायर या बैटरी बदल दिए रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ओरिजिनल टायर के साथ मिलने वाला है। उसी के साथ दोस्तों, यहाँ पर एक और मैं आपको जॉनडियर का 50/36D मॉडल दिखा दूँ। ये भी सेम मॉडल आपको 36 HP का मिलने वाला है, फीचर लोडेड है, पावर स्टीयरिंग, पावर ब्रेक, साइड गियर लीवर के साथ मिलेगा। दोस्तों, सर इस ट्रैक्टर का भी आप डिटेल देंगे? सर, ये 2019 का मॉडल है, भी बैंक की सीज गाड़ी है जी। हाँ सर, ये आपको आएगा 380 का। 380 का सर, 3,80,000 में ये ट्रैक्टर आपको मिल जाएगा। दोस्तों, जॉनडियर का नाम ही काफ़ी है ट्रैक्टर इंडस्ट्री में। जब से ये लॉन्च हुआ था दोस्तों, आपको मालूम होगा न्यू हॉलैंड और जॉनडियर लगभग एक ही समय में लॉन्च हुआ था, लेकिन लोगों का प्यार जो है वो जॉनडियर के प्रति ज़्यादा रहा, और उसका
कारण भी दोस्तों, इसका जो परफॉर्मेंस है वो रियल में किसान भाइयों के लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ, वरदान साबित हुआ और जॉनडियर आज बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बन चुका है। और मुझे जो सबसे खास बात लगती है दोस्तों, इसका जो बैटरी डिस्प्लेसमेंट है वो आपको सेफ्टी के साथ मिलता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका आप बैटरी डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं दोस्तों, और ये बोनट खोल के मैं इसलिए भी दिखा रहा हूँ ताकि आप इसका इंजन भी देख सकते हैं, बहुत ही लाजवाब कंडीशन में आपको मिलने वाला है। सर, इस ट्रैक्टर का भी आप डिटेल देंगे? सर, ये है 2020 की गाड़ी, ये भी है, फोर व्हील है ये, फोर व्हील पे जी, और ये आपको 6 लाख रुपए की आएगी गाड़ी, और ये 600 कुछ समथिंग घंटा चला है, मात्र 600 घंटा। सर, ये सर कितने एचपी का है? ये आपको 40 एचपी, 40 एचपी का है दोस्तों। ये 40 एचपी का आप ट्रैक्टर देख रहे हैं, 5105, फोर व्हील ड्राइव, जो आज के समय में बहुत ही डिमांडेबल है। पावर स्टीयरिंग, साइड गियर, लीवर के साथ आपको मिलने वाला है। और जॉनडियर का दोस्तों आपको मालूम होगा, छोटे से छोटे एचपी को भी ये साइड गियर लीवर के साथ लॉन्च करता है, जो बहुत ही कम्फर्ट राइडिंग प्रोवाइड कराता है किसान भाइयों के लिए। दोस्तों, यहाँ पे आपको बैंक से खींची हुई ट्रैक्टर मिल रही है, वो भी बहुत ही शानदार कंडीशन में। सर, साथ ही हमारे यहाँ और क्या क्या किसान भाइयों के लिए सुविधा देते हैं वो भी आप बताएंगे? सर, यहाँ पे फाइनेंस की सुविधा रहती है, ठीक है, और सर्विसिंग, गाड़ियों की जो सर्विसिंग करना रहता है वो भी सुविधा हमारे पास रहती है। जी हाँ सर, हम लोग वो मतलब जो सर्विस का जो पैसा रहता है खाली वही लेते हैं, पार्ट्स का, उससे और अलग चार्जेस हम लोग लेते नहीं होता। लेबर कॉस्ट आप फ्री करते, फ्री करते, लेबर कॉस्ट फ्री रहता, फ्री करते देते हैं। दोस्तों, जॉनडियर के वैसे तो इंजन में बहुत जल्दी प्रॉब्लम नहीं आता है, अगर बाय द वे कोई फॉल्ट निकल भी आता है दोस्तों, तो यहाँ आपको लेबर चार्ज फ्री मिलेगा। जो पार्ट्स के सामान लगने हैं दोस्तों, वो सर के पास अवेलेबल भी हो जाएंगे, आपको कहीं भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, और कुछ किसान भाइयों का मानना रहता है कि पुराने ट्रैक्टर के साथ वो कुछ इंप्लीमेंट भी लेना चाहते हैं, तो वो भी अवेलेबल मिल जाएगा। आप कल्टीवेटर, केजवेल, रोटावेटर सारा अवेलेबल मिल जाएगा। जी हाँ, नहीं उनको ट्रॉली भी चाहिए, 4 चक्का, 2 चक्का हाइड्रोलिक ट्रॉली मिल जाएगा, मिल जाएगा, अवेलेबल है दोस्तों। आपको एक ही छत के नीचे सारी सुविधा मिलने वाली, आपको और कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, और पेपर को लेकर जो है, फाइनेंस को लेकर, नाम ट्रांसफर, वो भी सुविधा हम देते हैं यहाँ पे? देखो सर, अपने पास एक अलग से इसके लिए बंदा रखा हुआ है, वो फाइनेंस, आरटीओ, ये सारा चीज़ देखता है वो। जी हाँ। और सर्विस के लिए भी एक अलग से हमने बंदा रखा हुआ है, जो सर्विस से लेकर सारा रिकॉर्डिंग देखता है। अच्छा सर, तो वो आपको यही, हाँ यही यही सब, मैं उनसे भी आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा उनसे भी। जी हाँ, लास्ट में बिल्कुल। दोस्तों, आप लोग बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं कि हमें जो है पेपर को क्या क्या देना पड़ेगा, फाइनेंस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगना है, मैं उनसे भी मुलाकात करवाऊंगा और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस किस डॉक्यूमेंट्स में फाइनेंस हो जाता है और कितना क्या परसेंट का ब्याज दर जो लगता है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। उसी के साथ दोस्तों, यहाँ पे एक और मैं आपको मॉडल दिखा दूँ, ये है 5038D। आप मॉडल देख रहे हैं, चाहे आप इसका इंजन देखिए, बॉडी लाइनअप देखिए दोस्तों, टायर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार यहाँ पे ट्रैक्टर आपको मिलने वाला है। सर, इस ट्रैक्टर का भी आप डिटेल देंगे? सर, ये 2013 का मॉडल है जी, ये करीबन 2500 घंटा कुछ चला हुआ है। अच्छा सर जी, ये आपको आएगा करीबन 280 के करीबन, 280 जी। दोस्तों, आपको बता दूं, जॉनडियर का इतना ज़्यादा डिमांड है, इतना ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, इसका प्राइस आपको ज़्यादा में भी लोग खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार निकल के आता है, लेकिन यहाँ आपको काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिलने वाला है। सर, जो आप प्राइस आगे अभी बताते जा रहे हैं या पहले बताए हैं, ये सब नेगोशिएबल रहेगा सर? देखो, बैंक वाली गाड़ियों में तो मैं ऐसा बोल नहीं सकता नेगोशिएबल का, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, इस पर कस्टमर अपना डिमांड रखते हैं जी, उसके हिसाब से हम लोग उस पर रेट लगाते हैं जी। हाँ। और ये जो अदर्स जो गाड़ियाँ बता रहा हूँ बिना बैंक की, जो सीज गाड़ियाँ, उस पर नेगोशिएबल है, नेगोशिएबल हो सकता है बिल्कुल। और उसी के साथ एक और मैं आपको ट्रैक्टर दिखाऊं, ये है 5041C जॉनडियर का आप देख रहे हैं, और सर इस ट्रैक्टर का भी आप डिटेल देंगे? सर, ये 2012 की गाड़ी है जी, और ये आपको पड़ेगी करीबन 225 की, 2,25,000। ये नेगोशिएबल है इस रेट में, इसमें नेगोशिएबल है जी बिल्कुल। दोस्तों, आपको यहाँ पे नेगोशिएबल प्राइस जो बैंक से स्टार्टिंग में बताया उसमें नहीं, लेकिन आगे जितने भी अभी गाड़ी दिखा रहे हैं बिना बैंक की खींची हुई, उसमें आपको नेगोशिएबल प्राइस के साथ मिल सकता है। आप यहाँ आएंगे, संजय भैया यहाँ पे मिलेंगे, सर से आप मुलाकात कीजिए, टेबल में बैठिए, डील कीजिए। दोस्तों, आपको काफ़ी अच्छी सर्विस यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि मानव मोटर दोस्तों सिर्फ रायपुर में बस नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ में कोने कोने में फैला हुआ, आपको खुद को ये मालूम होगा दोस्तों, तो इनका सर्विस को लेकर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो लोकल गैरेज में बैठे रहते हैं मिस्त्री, उनसे अगर आप काम करवाएंगे तो वो देसी तरीके से काम करेंगे, हो सकता है आपके इंजन को डैमेज कर दे, लेकिन सर के पास कंपनी से ट्रेंड बंदा मिलेगा जो आपकी ट्रैक्टर को टेक्निकल रूप से उसे बनाएगा दोस्तों, और उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं आने वाला। उसी के साथ एक और मैं आपको ट्रैक्टर दिखा दूँ, ये 5038D आप देख रहे हैं, सर इस ट्रैक्टर का भी आप डिटेल? ये 2012 का मॉडल है, ये भी 2,25,000 का रेट आएगा आपको, मात्र 2,25,000, 3,000 घंटा चलेगा, 3,000 घंटा। और कितने एचपी है सर ये? ये 38 एचपी, 38 एचपी का। इस पर यदि कोई कस्टमर कुछ बोलता है कि नहीं यार अपने को ये चीज़ समझ नहीं आ रहा, कुछ सुधार दो या कुछ कर दो, कलर कर दो या कुछ, अपने को मतलब कुछ टूट फूट है उसको ठीक कर दो, अपन वो भी सारा चीज़ करके देते हैं इसमें बिल्कुल। जैसा आप इसमें कस्टमाइज़ कराना चाहते हैं या आपको कुछ कमी लग रहा है दोस्तों, तो वो आपको सारे ट्रैक्टर में उस हिसाब से बदल के
है दिया भी जाएगा। उसी के साथ एक और मैं आपको मॉडल दिखाऊँ, ये है 5036C, आप मॉडल देख रहे हैं। और सर इस ट्रैक्टर का भी आप डिटेल देंगे? ये सर 2014 का मॉडल है जी, ये भी आपको 2,25,000 के रेट पे आएगा। 2,25,000 इस पे भी नेगोशिएबल है रेट जी हाँ। थोड़ा बहुत, ज्यादा तो नहीं है जी हाँ। थोड़ा बहुत जो है बिल्कुल, वो कर दूंगा। दोस्तों आप सर के साथ बैठिए, सर से बात कीजिए, टेबल में आपके लिए जरूर नेगोशिएबल किया जाएगा। और सर इसका HP सेगमेंट कितना है? ये 35 HP का। ये एक्चुअल क्या है, ज्यादा यूज कर तो ट्रांसपोर्ट के लिए ज्यादा होता है, ट्रांसपोर्ट क्या डीजल कंजक्शन कम मिलेगा उनको। बिल्कुल सर, मैं तो कस्टमर को यही बोलता हूँ कि आपको यदि ट्रांसपोर्टिंग करना है प्लस थोड़ा सा कुछ एग्रीकल्चर करना है तो 35 HP उनके लिए ठीक है, सफिशिएंट है। 38-35 HP बिल्कुल सर जी। क्या होता है कि कस्टमर ज़्यादा HP ले जाते हैं, फिर वो देखो कई कस्टमर तो ज़्यादा HP ले जाके फिर वो क्या बोलते हैं कि मेरे को यार ट्रैक्टर डीजल ज़्यादा पी रहा है जी हाँ सर, पर वो चीज़ नहीं समझते कि मैं फिर क्या यूजेस क्या कर रहा हूँ, यूजेस क्या कर रहा हूँ। ये सही आप ट्रांसपोर्टिंग के लिए यूज़ करना है और एग्रीकल्चर के हिसाब से आप लेके जा रहे हो गाड़ी तो डीजल तो पीना ही है, पीना ही है। तो उसमें क्या होता है कि जो परफॉर्मेंस ट्रैक्टर का जो होता है ना वो खराब हो जाता है। खराब जी। और ये ट्रांसपोर्ट पर्पस में आपको इसका मैं टायर दिखाऊं दोस्तों, तो टायर पीछे के दोनों टायर आपको नए मिलने वाले हैं दोस्तों। अगर टायर की प्राइस ही आप देखेंगे तो लगभग 20-25,000 तो पीछे का टायर आप इसमें बदल कर दे रहे हैं और उस भी नेगोशिएबल प्राइस में आपको मिलने वाला है दोस्तों। सोनालिका का यहाँ पे आपको फोर व्हील ड्राइव का एक मॉडल दिखा दूँ, इसमें आपको पावर स्टीयरिंग, पावर ब्रेक और फुल्ली लोडेड साइड गियर लीवर के साथ। सर इस ट्रैक्टर का भी आप डिटेल देंगे? सर ये 47 HP का ट्रैक्टर है, फोर व्हील ड्राइव है जी हाँ सर। ये 31/12/2016 का एक दिन का फर्क है खाली 2017 के लिए। अच्छा सर जी। तो ये जो रेट आएगा इनको, मार्केट इनका आएगा 380, इसमें भी नेगोशिएबल है रेट, 3,80,000 रुपये में नेगोशिएबल प्राइस के साथ मिलने वाला है। और दोस्तों आप इसमें इस ट्रैक्टर में आराम से 6-7 फीट का रोटावेटर आप आराम से चला सकते हैं, 11 नाश का नांगर भी आप इसमें आराम से चला सकते हैं दोस्तों। काफ़ी मल्टी फंक्शन में आपको ये मिलने वाला है, काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर ये फोर व्हील ड्राइव में आपके लिए हो सकता है दोस्तों। ये है स्वराज का 855 FE मॉडल, आप देख रहे हैं इसके टायर की आप ग्रिप देख सकते हैं दोस्तों, लगभग 35% रियर टायर और फ्रंट में भी आप देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों इंजन और टायर आप जरूर देखिए जब भी आप ट्रैक्टर लेते हैं, क्योंकि यही दो पार्ट ऐसा होता है जो आपके जेब में भारी पड़ सकता है, और बाकी बॉडी आप उतना ज़्यादा ध्यान नहीं भी देंगे दोस्तों तो वो चल सकता है, वो छोटे मोटे अमाउंट में सुधर जाएगा, लेकिन इंजन और टायर में आपको 50,000-60,000 तक का खर्चा करना पड़ सकता है। सर इस ट्रैक्टर का भी आप डिटेल देंगे? ये सर 2015 का स्वराज 855 HP का ट्रैक्टर है, इसमें नांगर केजविल कंप्लीट है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं जी हाँ। इसमें नांगर केजविल फिटेड है, फिटेड मिलेगा, ये आपको कंप्लीट 4,00,000 रुपए में आएगा। नांगर फिटेड सर? हाँ, नांगर केजविल कंप्लीट 4,00,000 रुपए में आपकी गाड़ी है दोस्तों। नांगर अगर आप लेने जाएंगे 20-25,000 नांगर का, और केजविल लगभग 10-12-15,000 तक के बीच का केजविल आता है दोस्तों, वो फिटेड करके सर आपको यहाँ पे 4,00,000 के बजट में 855। सर ये 55 HP का ट्रैक्टर है? 55 HP का। कुछ देखने की जरूरत नहीं, गाड़ी सेल्फ स्टार्ट है, वेल अपडेट है गाड़ी। और सबसे अच्छी खास बात बताऊँ दोस्तों, ये स्वराज ट्रैक्टर के साथ आपको रिवर्स PTO के साथ मिलने वाला है। अगर आप इसे रोटावेटर या थ्रेसर में चलाते हैं दोस्तों वो फंस जाता है तो आपका 1.5-2 घंटा बर्बाद होता है उसे निकालने के लिए, लेकिन रिवर्स PTO उसे आपका 2 मिनट में आपको क्लीन करके दे देगा और आपका काम तेजी से चलते रहेगा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों एक और मैं आपको ट्रैक्टर दिखा दूँ, ये है जॉनडियर का 5140C मॉडल, आप देख रहे हैं दोस्तों। दोस्तों ये कॉम्पीट करता है महिंद्रा की 275 से, और उसके मुकाबले आप देखेंगे दोस्तों तो ये ट्रैक्टर बहुत ही शानदार रहता है इसका परफॉर्मेंस दोस्तों। इसमें पीछे की टायर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी मिलने वाली है दोस्तों, और अगर आप कम बजट में ट्रैक्टर ढूंढ रहे हैं दोस्तों तो यहाँ मानव मोटर में आप विजिट कीजिए, संजय भैया से मिलिए, यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी ट्रैक्टर की अवेलेबिलिटी करवाते हैं। सर इस ट्रैक्टर का आप डिटेल देंगे? ये सर 2011 का गाड़ी है जी, ये आपको ओनली 170 में मिलेगा आपको ट्रैक्टर, 1,70,000 में। 1,70,000 रुपये इसमें भी नेगोशिएबल है रेट? बिल्कुल बिल्कुल सर, इतने कम प्राइस में यहाँ पे आप अवेलेबल करवा रहे हैं काफ़ी अच्छी कंडीशन में दोस्तों। अच्छी कंडीशन बोलने का मतलब ये है कि जिस प्राइस सेगमेंट में जो ट्रैक्टर मिल रहा है मैच करना चाहिए दोस्तों, जैसा ट्रैक्टर का कंडीशन है और प्राइस आपका मैच करना चाहिए तभी वो ट्रैक्टर अच्छी होती है दोस्तों। अगर आपका बजट कम है, कोई कम बजट का आप ट्रैक्टर देख रहे हैं और उसमें भी आपको ये जॉनडियर मिल जाए दोस्तों तो सोने पर सुहागा वाली बात है। ये है 5036C मॉडल देख रहे हैं, 35 HP का ट्रैक्टर है दोस्तों। और सर इस ट्रैक्टर का प्राइस और क्या मॉडल है वो आप बताएंगे? ये सर 2013 की गाड़ी है जी, और 35 HP की गाड़ी है जी हाँ सर। ये आएगा आपको 1,65,000 का, इस पर भी आप नेगोशिएबल है? नेगोशिएबल में आपको 1,65,000 दोस्तों, इतना कम बजट में जॉनडियर का ट्रैक्टर, वो भी 2013 का, मैं तो उम्मीद ही नहीं करता दोस्तों कि आपको कहीं ये इस प्राइस में मिल भी पाएगा, वो भी नेगोशिएबल में। ये है पावर स्टीयरिंग,
पावर ब्रेक के साथ ही आएगा दोस्तों। और सर इसमें जो है कंपनी से जो यहाँ शोरूम से इसका इंजन का भी काम करवा चुके हैं, तो इन फ्यूचर आपको इंजन से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा दोस्तों। कंपनी में काम होना और लोकल मार्केट में काम होना बहुत अंतर होता है दोस्तों। वो क्या क्वालिटी का पार्ट्स डाल रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को भूल गए, कोई चीज़ अगर इसमें मिस हो गया तो आपका ट्रैक्टर फिर इंजन खुल सकता है। लेकिन कंपनी में बाकायदा जो इंजीनियर हैं, जो टेक्नीशियन हैं, उनका ट्रेंड हुआ रहता है, वही बंदे इस ट्रैक्टर को छूते हैं और वो ट्रैक्टर आपको मात्र 1,65,000 में मिलने वाला है दोस्तों। अगर आप अदर ब्रांड में भी कम बजट का ट्रैक्टर देखना चाहते हैं तो सर के पास वो भी अवेलेबल रहता है। सर हमारे पास लगभग कितने बजट से हमारे पास ट्रैक्टर? सर हमारे पास 70,000 से 50,000 से स्टार्ट है गाड़ी महिंद्रा में जी। जॉनडियर में तो नहीं मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, महिंद्रा में स्टार्ट हो जाता है 50,000 से। 50,000 से जी। अभी मेरे पास जैसे अवेलेबल है ये 2,75 है जी। 2009 की गाड़ी देखिए, कंडीशन देखिए कितनी बढ़िया है। आपको कोई मार्केट में 1.5 लाख रुपए में दे दे मान जाऊँ मैं इस गाड़ी को। दोस्तों ओपन चैलेंज है, मैं आपको बोलता हूँ ऐसा प्राइस में आपको ट्रैक्टर मिल पाना मुश्किल है। और आप ये देख सकते हैं मात्र 1.5 लाख रुपए में, और सर के पास यहाँ पे 50,000 से भी ट्रैक्टर मिल रहा है दोस्तों। 50,000 में आज के समय में मोटरसाइकिल नहीं मिलता आपको, वो भी ट्रैक्टर मिल रहा है सर। करवा क्या होता है सर, देखो आज एक बैल लेने भी जाओगे आप, बिल्कुल 1 लाख से स्टार्ट है बैल, बिल्कुल होगा सर। मैं आपको ट्रैक्टर 50,000 में अवेलेबल करा रहा हूँ, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, आप लोग के मन में बहुत ज़्यादा सवाल आता है कि हमें फाइनेंस में ट्रैक्टर लेना है, लेकिन फाइनेंस के लिए क्या क्या पेपर दस्तावेज लगने वाले हैं, वो बहुत बड़ा तमाशा आपको लगता है दोस्तों। आज मैं खुलासा कर देने वाला हूँ। जमन सर है मेरे साथ और ये फाइनेंस डिपार्टमेंट देखते हैं सेकेंड हैंड व्हीकल का। सर जो किसान भाई सेकेंड हैंड में ट्रैक्टर लेना चाहता है उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है सर, वो आप बताइए। उसमें लगता है चेक बुक, ऋण पुस्तिका, दो फोटो, बैंक स्टेटमेंट, बस इतना ही लगता है। बस इतने ही डॉक्यूमेंट्स में आप कर देते हैं। ये बंदा हमारा ऑलमोस्ट मतलब फाइनेंस और आरटीओ दोनों के लिए स्पेशलिस्ट है जी। मतलब स्पेशलिस्ट बोलने से ऐसा है कि कोई कस्टमर आता है जी, तो उसको कहाँ तक उसको फाइनेंस में जाना है, कहाँ उनको डॉक्यूमेंट्स आरटीओ में लगना है, सारा ये अवेलेबल करा देता है। बाकी जो ये भी मतलब खुद फाइनेंस नहीं करता जी, इसके पास भी मतलब अलग अलग फाइनेंसर है, कोटक महिंद्रा चोला ये, तो उनको अवेलेबल कराता है। और ये चीज़ सुविधा कराता है कि वो उनके घर तक जाए, उनके घर जाके पूरे डॉक्यूमेंट्स उसको अवेलेबल कराए जी। मैंने कस्टमर को यहाँ तक आने की भी जरूरत नहीं, ये एक अच्छी सुविधा है हमारे पास। बिल्कुल दोस्तों, आप अगर कहीं और डीलर से देखते होंगे आप वहाँ चप्पल घिस लीजिए दोस्तों अपना पहुँच पहुँच के, लेकिन यहाँ पे स्पेशल सर आपको मिलेंगे जमन सर, जो आपको कंपनी और फाइनेंस कंपनी और आपके बीच की जो गैपिंग रहती है, आप बार बार फाइनेंस कंपनी जाते हैं, जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जम्मन सर आपसे पूरा काम को करवा कर देंगे, चाहे वो आरटीओ से रिलेटेड हो, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो। दोस्तों यहाँ पे आपको ट्रैक्टर अगर आप ले जाते हैं और आपको सर्विसिंग भी करवाना है दोस्तों, तो यहाँ पे सुमन सर आपको मिलेंगे, ये पूरा सर्विस पार्ट संभालते हैं। आपकी ट्रैक्टर की जो लाइफ है, उसका जीवन है, ये सर के हाथ में रहता है। सर जो आप सर्विस यहाँ पे करते हैं, आप सबसे पहले तो आप कंपनी से ट्रेंड हुए हैं, और आप ये किसान भाइयों तक बताइए जो किसान भाई जानना चाहते हैं कि जो ट्रैक्टर कितने घंटे में सर्विस होना चाहिए, और ट्रैक्टर का सर्विस का टाइम कैसे आ गया, वो उनको तक कैसे पता चल पाएगा, वो आप बताइएगा। 100 घंटे की सर्विसिंग रहती है सर जॉनडियर में, पहले वाला 100 घंटे तक चलती रहनी गाड़ी पे, और सभी गाड़ी में रहती है घंटे से गाड़ी सर्विस में रहती है। कुछ भी लगता है छोटा मोटा काम उसे हम लोग करके देते हैं। क्या होता है कि कस्टमर तो जो फर्स्ट टाइम ट्रैक्टर लेता है, अब ये हमारा ये चीज़ बनता है कि हम लोग कम से कम कस्टमर को बताएं, गाइड करें कि भाई आप फर्स्ट टाइम ट्रैक्टर ले रहे हो, कितने में आपको सर्विसिंग कराना है, कैसा रख रखाव करना है, ये उसके लिए रखा गया है। दूसरा चीज़ कोई बोलता है कि हमको यार इस गाड़ी में कुछ छोटा मोटा कुछ काम कराना है, तो वो चीज़ के लिए ये अवेलेबल है अपने पास। बिल्कुल जी दोस्तों, ये सब वीडियो में लाने का मकसद मेरा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको क्या सर्विस मिल रही है, कैसा क्वालिटी मिल रहा है, क्योंकि आप बहुत जगह जाते हैं दोस्तों, आपको मालूम है हर एक चीज़ के लिए आपको ट्रैक्टर थमा देते हैं, आपकी जवाबदारी आप जाने, आपका काम जाने दोस्तों, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें नहीं होने वाला। यहाँ पे संजय सर मिलेंगे, सुमन सर मिलेंगे, और आरटीओ के लिए भी सर यहाँ पे जिमन सर मिलेंगे, यहाँ आपको सारी सुविधा मिलने वाली है और कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संजय सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफ़ी अच्छा डिटेल दिया, और सबसे बड़ी बात मैं सोचता हूँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जहाँ मर्जी आप चले जाओ इतना बड़ा जॉनडियर का सेकेंड हैंड का स्टॉक आपको कहीं नहीं मिलने वाला। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।